अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू एडमायरल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो स्टिच हम सीखने जा रहे हैं उसका नाम है पॉपकॉर्न स्टिच। तो आए शुरू करते हैं। पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के लिए मैंने पहले ही एक बेस बना ली है ताकि समझने में आसानी हो, आप डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले 3 चेन स्टिचेस बनाने जो कि एक डबल क्रोशे के बराबर हो जाएगा। उसके बाद इसी लूप में 4 और डबल क्रोशेस बनाने, तो ये टोटल हो जाएंगे 5 डबल क्रोशेस। अब यहाँ पे ट्रिक ये है कि हमने जो लास्ट वाले का लूप है, इस लास्ट वाले लूप को पहले वाले डबल क्रोशे में से निकालना है, बिल्कुल सिंगल क्रोशे की तरह। ऐसे ये हमारे पास एक पॉपकॉर्न स्टिच बन गया। अब हमने इसे 2 चेन्स बनाने, नीचे से 2 स्टिचेस छोड़ के अगला पॉपकॉर्न 3rd स्टिच में बनाना, बिल्कुल सेम 5 डबल क्रोशेस बनाने। पहले वाले में से आखिरी वाला लूप निकालना है लाइक दिस, और फिर 2 चेन स्टिच, नीचे से 2 स्टिचेस छोड़ के तीसरे वाले में 3rd पॉपकॉर्न बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5 5 डबल क्रोशेस बना लिए। अगेन पहले वाले में से आखिरी वाले का लूप निकालना, इसी तरह ये पूरी लाइन कंटिन्यू करनी है। पूरी रो बनने के बाद पॉपकॉर्न स्टिच कुछ ऐसा है। लास्ट में मैंने एक डबल क्रोशे बना दिया है जो कि हमें रो 2 में हेल्प करेगा। सबसे पहले 3 चेन स्टिचेस बनाने हैं रो टर्न करने के बाद। अब ये जो डबल स्टिच की स्पेस है इसमें हमने नेक्स्ट पॉपकॉर्न बनाने के लिए अगले 4 डबल क्रोशे स्टिच बनाने हैं। अब यहाँ पे हमने पीछे से लूप लेने के बजाय हम आगे से लूप लेंगे। ये पैटर्न सिर्फ 1 साइडेड है, पॉपकॉर्न सिर्फ एक साइड पे आना चाहिए। आगे से लूप लेने के लिए पीछे से हुक एंटर करना होता है और पीछे से लूप लेने के लिए आगे से हुक एंटर करना है, तो इस वक्त हमने पीछे से हुक एंटर करना है। इस तरह 2 चेन स्टिचेस बनाने हैं और अगली स्पेस में इन 2 पॉपकॉर्न के बीच में जो स्पेस है उसमें अगला पॉपकॉर्न बनाना। 5 डबल क्रोशे करेंगे। पिछले वाले की तरह यहां पे भी पीछे से पहले स्टिच में हुक एंटर करके यहां से लूप लेंगे लाइक दिस। 2 चेन स्टिचेस।
उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन या क्रोशे के बारे में कुछ भी आप सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।